हाय एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज फॉर्मड एलिमेंट्स. सो आफ्टर प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे दैट इज फॉर्मड एलिमेंट्स. फॉर्मड एलिमेंट्स क्या होते हैं ये? सो एरिथ्रोसाइट्स आल्सो नोन एज आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स आल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. तो कलेक्टिवली इन्हें, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन तीनों को मिलाकर बनते हैं. सो उसके बाद 45% ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट को फॉर्म करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सो फर्स्ट वन इज एरिथ्रोसाइट आल्सो नोन एज आरबीसीज. So these are the most abundant of all the cells in the blood. So first characteristic is most abundant as compared to other cells. एक healthy adult के अंदर 5 million से लेके 5 million to 5.5 million amount of RBCs present होगा. सो आरबीसीज अब फॉर्म कहाँ पे होती है? आरबीसीज जो रेड बोन मैरो है फॉर्मड इन रेड बोन मैरो इन अडल्ट्स. आरबीसीज के अंदर फिर अगली करेक्टरिस्टिक आएगी कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. सो न्यूक्लियस इज एब्सेंट. उसके बाद जो इनकी करेक्टरिस्टिक है रेड कलर, तो मैमल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा. रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन. उसके बाद एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 टू 16 ग्राम ऑफ HB इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा. सो 12 टू 16 ग्राम HB इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड. तो ये सिग्निफिकेंटली अपना रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, क्योंकि इसमें HB प्रेजेंट होता है. सो ये ट्रांसपोर्टेशन गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल प्ले करते हैं. उसके बाद RBC की जो लाइफ स्पैन होगा, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होगा डेट इज अप्रोक्सीमेटली 120 डेज. उसके बाद क्या होता है कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज नोन एज स्प्लीन. सो ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसे, ग्रेवयार्ड, क्योंकि यहाँ पे जो आरबीसीज है और बाकी कुछ और सेल्स हैं उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है. उसके बाद आता है ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स आल्सो नोन एज WBCs, वाइट ब्लड सेल्स. दे आर कलरलेस. फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज दे आर कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. एंड आर लेसर इन नंबर. लेसर इन नंबर तो नंबर क्या होगा इनका, 6000 टू 8000 mm³ ऑफ ब्लड. उसके बाद ल्यूकोसाइट शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन है कम होता है क्योंकि आगे जाके ये बहुत सारी सेल्स को अराइज करती हैं. सो ल्यूकोसाइट्स के आगे जाके कई टाइप हैं पर उनका सबका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होता है. आगे जाके टू मेन कैटेगरीज में WBCs को डिवाइड किया है. सो WBC की जो मेन कैटेगरीज हैं, फर्स्ट वन इज ग्रेन्यूलोसाइट, सेकेंड वन इज ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स. सो न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स. इनके अंदर ग्रेन्यूल्स ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, डेट्स वाई दे आर नोन एज ग्रेन्यूलोसाइट्स, इनके अंदर एब्सेंट होते हैं. सो ये क्या करते हैं,
ये जनरली क्या करते हैं, जो फॉरिन बॉडीज आती है, फॉरिन सेल्स आती है, उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. सो जो ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जाम्पल हैं, डेट इज न्यूट्रोफाइल्स, इसिनोफाइल्स एंड बेसोफिल्स. उसके बाद जो न्यूट्रोफिल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स से, ये तीनों. उसके बाद लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, जो ए ग्रेनुलोसाइट्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. सो न्यूट्रोफिल्स, फर्स्टली हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की. तो ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं, जो टोटल WBC कितने अमाउंट फॉर्म करती है. सो 60 to 65% सबसे अबंडेंट अमाउंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है WBCs के अंदर. और जो सबसे कम प्रेजेंट होगा, डेट इज द नंबर ऑफ बेसोफिल्स, 0.5 to 1%. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये फेगोसिटिक होते हैं. फेगोसिटिक करेक्टरिस्टिक शो करेंगे ये. सो फेगोसिटिक जो करेक्टरिस्टिक है, डेट करेक्टरिस्टिक मीन्स कि ये डिस्ट्रॉय करेंगे फॉरिन ऑर्गेनिज्म को जो उनकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उनको निगल लेते हैं ये. सो फॉरिन ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लिया. करने के बाद क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स सेक्रीट करते हैं, मोनोसाइट्स भी अदर जो इम्यून सिस्टम प्रोसेसेस हैं उसको यूज करके, जो फॉरिन बॉडीज हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो फेगोसाइटिक फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स. उसके बाद बेसोफिल्स, जिसके अंदर ग्रेनुलोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, अब वो कौन कौन से इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज करते हैं. इन्फ्लामेटरी जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्लड है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इचिंग होती है. सो फर्स्ट इज हिस्टामाइन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में जो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं रिलीज्ड बाय बेसोफिल. सो फर्स्ट वन इज हिस्टामाइन, सेकेंड वन इज सेरोटोनिन एंड द थर्ड वन इज हिपेरिन. ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में. उसके बाद इसिनोफिल्स, अब बात आती है इसिनोफिल्स की. सो इसिनोफिल्स क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को, और ये इन्वॉल्व होते हैं जब एलर्जिक रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर, उनके अंदर, एंड आर आल्सो इन्वॉल्व विद एलर्जिक रिएक्शंस. उसके बाद रह गए लिम्फोसाइट्स. सो जो लिम्फोसाइट्स हैं, 20 to 25% प्रेजेंट होते हैं WBCs के अंदर. ये इनके टू मेजर टाइप्स, आगे ये टू मेजर टाइप में डिवाइड होते हैं, डेट इज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. सो ये दोनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में. हमारी बॉडी जब फॉरेन बॉडीज के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है, सो उनमें इन दोनों का सबसे मेजर रोल होता है. बी लिम्फोसाइट्स ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे जो फॉरेन बॉडीज हैं उनके अगेंस्ट. ऐसे ही टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये आगे जाके दो टाइप की होती है, एक तो टी हेल्पर सेल्स, एक टी साइटो टॉक्सिक सेल्स. सो साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करती हैं, डायरेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस ये केमिकल्स रिलीज करेंगी, जिससे वो ख़त्म हो जाएगा, फॉरिन बॉडी है. और टीएच हेल्पर सेल्स, टीएच हेल्पर सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन में और टीसी सेल्स की फॉर्मेशन में, दोनों की फॉर्मेशन में हेल्प करती है. सो डेट्स वाई इट इज़ नोन एज हेल्पर सेल्स. सो डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.